हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फन एंजॉय पर। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2017 में नोकिया काफी सारे एंड्रॉयड स्मार्टफोन लॉन्च करने की संभावना है। इसी बीच कंपनी ने दावा किया है कि उनके स्मार्टफोन नोकिया 3 और नोकिया 5 की लॉन्चिंग भी इसी इवेंट में होगी। इसके अलावा नोकिया के सबसे लोकप्रिय और सब पुराने फोन नोकिया 3310 की लॉन्चिंग भी इसी इवेंट में वापसी होगी। नोकिया 3310 नए अवतार में लॉन्च किया जाएगा। तो आइए जानते हैं आखिर क्यों लोगों की पसंद बना हुआ है नोकिया 3310। आइए जानते हैं कुछ वजह जिसकी वजह से नोकिया 3310 इतना पॉपुलर रहा। स्मार्टफोन युग में कैमरा, यूजर इंटरफेस ऐसी चीजें तो यूजर्स को मिली है, लेकिन दुर्भाग्य से बैटरी लाइफ ऐसा मामला है जिसकी कोई कंपनी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकी। मूल नोकिया 3310 में 1000 mAh की बैटरी थी और 250 घंटे का स्टैंडबाय टाइम था और लगातार 4.5 घंटे बात करने की सुविधा थी। इसकी वजह से नोकिया 3310 बेहद पॉपुलर रहा बिकॉज ऑफ बैटरी लाइफ। दूसरी खासियत है नोकिया 3310 के बारे में मजबूत और विश्वसनीय फोन। नोकिया 3310 पानी में गिरने के बाद भी चलता था, विपरीत इसके आजकल के स्मार्टफोन को स्क्रीन गार्ड और कवर्स लगाने की जरूरत पड़ती थी। तीसरी खासियत थी नोकिया 3310 की स्नेक 2 गेम। 2000 के दशक में स्नेक 2 गेम काफी पॉपुलर रहा था और लोगों का इसी से मनोरंजन हुआ करता था। चौथी और आखिरी खासियत है नोकिया 3310 की वेलकम स्क्रीन। आजकल किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन में वेलकम स्क्रीन एडिट करने की सुविधा नहीं है, लेकिन उन दिनों नोकिया के फोन में अपने हिसाब से हम वेलकम स्क्रीन को एडिट कर सकते थे। इन सारे वजहों से नोकिया 3310 इतना पॉपुलर रहा और आज कंपनी उसे दोबारा रिलॉन्च करना चाहती है। तो ये थी खास बात नोकिया 3310 के बारे में जो इतना पॉपुलर रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।